ओके देन आकांक्षा, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डील्स विद इंडिविजुअल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद ग्रुप बिहेवियर्स एंड बिहेवियर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे जो सिंपल सा स्टेटमेंट एक बोला गया है वो ये है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ले लो, तो उसका जो बिहेवियर होगा वो इंडिविजुअल बिहेवियर्स के साथ भी उनको डील करना पड़ता है। मतलब एक मिनट जरा सा। ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर जो होता है वो उसके इंडिविजुअल जो उसमें काम कर रहे लोग होते हैं उनके बिहेवियर्स के कारण भी वो इन्फ्लुएंस होता है। तो जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है वो इंडिविजुअल बिहेवियर्स पे भी उनके साथ भी उनको डील करना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम द ग्रुप बिहेवियर्स एंड बिहेवियर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीजों के साथ उन लोगों को डील करना पड़ता है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर्स किस तरीके से मैटर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बारे में हम इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। द स्टेटमेंट और द स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डील्स विद इंडिविजुअल बिहेवियर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद ग्रुप बिहेवियर्स एंड बिहेवियर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, वही बात बोली गई है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर्स एज अ सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंडिविजुअल बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक बंदा तो काम नहीं कर रहा होता, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे होते हैं। तो हर एक बंदे का जो अपना एक इंडिविजुअल बिहेवियर है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, समहाउ किसी न किसी तरीके से वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। और उसको हम इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आगे चलते हैं फिर। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर इज इक्वली एसेंशियल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक्स। लेट्स डिस्कस दिस स्टेटमेंट फर्दर विद एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है इंडिविजुअल बिहेवियर्स। तो इंडिविजुअल बिहेवियर रिफर्स टू द एक्शंस, एटीट्यूड्स एंड डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉई विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, सो इंडिविजुअल बिहेवियर का मतलब तो ओके वही हो गया, सर, जैसे कि मेरा बिहेवियर पर्सनल अगर किसी भी काम को लेकर के डिफरेंट हो सकता है, किसी और बंदे का किसी और तरीके का बिहेवियर हो सकता है, किसी और तरीके का अप्रोच हो सकता है किसी पर्टिकुलर काम को लेकर के। तो हर बंदे का बिहेवियर, हर बंदे का अप्रोच जो है किसी भी चीज को लेकर के वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे इंडिविजुअल बिहेवियर का मतलब वही हो गया कि एक बंदा किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उसके एक्शंस कैसे हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका अप्रोच कैसा है रिगार्डिंग समथिंग एंड डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉई विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। दीज बिहेवियर्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड कल्चर। अब ये जो इंडिविजुअल बिहेवियर्स होते हैं ये इम्पैक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को और उसके कल्चर को। ठीक है ना, अब एक सपोज वहां पे कोई एक बिजनेस है जहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है बहुत ही स्मूथ वे में चलती हैं। मूवीज वगैरह में हम लोगों ने बहुत देखा है कि जो चीजें हैं बहुत ही डिसिप्लिन वे में चल रही हैं, फिर अचानक से कोई बंदा आता है और सारी चीजें जो है अपने हिसाब से करने लगता है, फिर सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन को समटाइम्स सफर भी करना पड़ता है और समटाइम्स उस चीज का फायदा भी होता है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर्स का इम्पैक्ट जो है यस वो सर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। ठीक है ना, तो वो बात यहाँ पे बताने की ओके सर, कोशिश की जा रही है। These behaviors can significantly impact, ये तो मैंने बताया। Some examples of individual behaviors in organizations include, सबसे पहला है work motivation, ठीक है? Understanding the factors that drive individuals to perform their best is a crucial aspect of organizational behavior, ठीक है? तो ये समझना कि किस चीज के कारण कोई भी बंदा या कोई भी बंदी क्यों अपने काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेगी, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे मेरा अगर इंडिविजुअल बिहेवियर अपने काम को लेकर के सही नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। हो सकता है मेरे अंदर मोटिवेशन की कमी है। अब वो मोटिवेशन बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे कि ज्यादातर लोग जो काम करते हैं उनका मेन मोटिवेशन वो फाइनेंशियल मैटर ही होता है। जितना जितनी अच्छी उनको सैलरी मिलेगी उतना अच्छा वो अपने काम को ठीक तरीके से कर पाएंगे, मतलब इफिशियंटली या फिर इफेक्टिवली वो कर पाएंगे, पूरा मन लगा करके कर पाएंगे, या फिर और भी डिफरेंट रीजन हो सकती है। तो जो वर्क मोटिवेशन होता है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इंडिविजुअल बिहेवियर में चेक करने के लिए कि क्यों व्यक्ति जो है काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है, आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से उसको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर वो कर ही नहीं रहा। सो फॉर इंस्टेंस एन एम्प्लॉईज इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू एक्सेल इन देयर जॉब सच एज टेकिंग चैलेंजिंग टास्क और सीकिंग पर्सनल ग्रोथ कैन लीड टू इंप्रूव इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है,
तो यहाँ पे वही बात बोलने की ओके कोशिश सर, की जा रही है कि एक एम्प्लॉय अगर अच्छे तरीके से काम को करेगा, अगर इंट्रेंसिक मोटिवेशन उसका रहेगा, तो वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएगा, एक्सेलेंट वे में कर पाएगा, ताकि वो डिफरेंट जो चैलेंजेस होंगे, जो कि मेजर चैलेंजेस होंगे, कोई भी बिजनेस सिर्फ सिंपल वे में चल करके तो बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपको ग्रो करते रहना है, तो हर साल आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बड़े चैलेंजेस लेने होंगे, ताकि आप अपना पर्सनल ग्रोथ भी कर पाए और अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी कर पाए। तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की मैं अगर बात करूं, इंडिविजुअल लोगों की अगर बात करूं, तो उनका पर्सनली चीजों को लेना, अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना, मतलब वो किस तरीके से ग्रो करना है, उससे इन्फ्लुएंस होगा फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी। तो खुद का ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस चीज के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये काम करना पड़ता है कि वो अपने इंडिविजुअल जो लोग उनके पास काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर्स को भी वो लोग मॉनिटर करते हैं, उनके उसको डील करते हैं। जैसे कि ये वर्क मोटिवेशन का ये पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, ताकि उनका अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो डेफिनेटली ओवरऑल जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी परफॉर्मेंस में बेहतरी होगी, ठीक है ना। दूसरा है जॉब सेटिस्फेक्शन। तो किसी भी व्यक्ति को जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। जॉब सेटिस्फेक्शन में जो मेजर जो रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सैलरी वाला रिक्वायरमेंट तो सबसे पहला होता है कि भाई कि अच्छा सैलरी मिलना चाहिए। दूसरा है कि आपका जो कल्चर है, जो वहाँ पे इन्वायरमेंट है, वो कैसा है। कई बार लोग टॉक्सिक इन्वायरमेंट होने का कंप्लेन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, कि जो 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 बिजनेस है वो बिजनेस जैसा भी हो, लेकिन जो इन्वायरमेंट है बिजनेस का वो सही नहीं है। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, एचडीएफसी के एक मैनेजर का, जहां पे वो चिल्ला रहा था अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, है ना। जी सर, हेलो, जी सर, हाँ, तो आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं। तो वो जो एनवायरनमेंट उस तरीके का कि आप जबरदस्ती किसी से हेलो, काम करवा रहे हो, गालियां बक रहे हो, तो उससे काम आप नहीं कर सकते। तो जॉब सेटिस्फेक्शन में वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सैलरी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोटिवेशन तो एक है ही, तो वो सारी चीजें हैं। नाउ इंडिविजुअल जॉब सेटिस्फेक्शन इन्फ्लुएंसेस, एक किसी भी बंदे का जो इंडिविजुअल जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, वो इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉई के मोराल को, है ना। आपका जो काम करने का तरीका है, जो आपका मोराल है किसी भी काम को लेकर के, कि भाई मैं इस काम को तो कर ही लूंगा, आप स्टार्टिंग से ही थोड़े से डल हो जाओगे, तो फिर आप उस काम को करने में देर लगाओगे, अगर आपसे हो भी जाएगा तो, और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि इंथुजियास्टिक होना किसी भी काम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एम्प्लॉय का मोराल जो है, इंडिविजुअल जॉब सेटिस्फेक्शन जो है इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉय के मोराल को, उसकी प्रोडक्टिविटी को, और उसके ओवरऑल टर्नओवर को, वो कितना काम कर पा रहा है, उसके पीछे उसका जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इतनी उसको सैलरी मिल रही है कि वो घर भी चला ले रहा है, पैसे भी सेव कर ले रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर ले रहा है, तो उसका जो जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो बहुत हाई होगा, क्योंकि उसकी सारी डिमांड्स मीट हो रही हैं। पर जब नहीं हो पाता तो फिर दिक्कत होती है, और जब नहीं हो पाता है तो इम्प्लॉय के मोराल के ऊपर, उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका असर देखने को मिलता है। बाय स्टडी इंडिविजुअल बिहेवियर्स रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फेक्शन, और ऑर्गेनाइजेशंस कैन आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू हाई जॉब सेटिस्फेक्शन एंड टेक मेजर्स टू एनहांस एम्प्लॉई एंगेजमेंट एंड वेलबींग, ठीक है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि वो इन चीजों को देखे, जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है किसी एम्प्लॉई को, उस चीज को देखे और ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि किसी भी एम्प्लॉई को उसको अच्छा फील हो काम करके, उसको सेटिस्फेक्शन मिले वो काम करके, और जो जो ओवरऑल जो उसका वेल बीइंग है, उसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट आ सके, उसको इनहेंस किया जा सके, दैट इज देयर जॉब। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका काम होता है इन सब चीजों के साथ भी डील करना, ठीक है ना। पहला टॉपिक क्या है ओके जिसके साथ वो लोग डील कर रहे हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर्स। उसमें इंडिविजुअल बिहेवियर्स में वर्क सर, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब सेटिस्फेक्शन बंदे को मिलना इंपॉर्टेंट है, तीसरा डिसीजन मेकिंग। ये जी सर, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक मैं बोलूंगा, क्योंकि आप जब भी कहीं पे काम कर रहे होते हो, तो आपका एक अपना से होता है, आप चाहते हो कि आपकी बातें लोग सुने, आप चाहते हो कि जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, भले ही लोग ना सुने, उसको इम्प्लीमेंट ना करें, लेकिन लोगों को कम से कम एक बार सुनना चाहिए। तो जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, उसमें आपका पार्टिसिपेशन कैसा है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर के अच्छे या फिर बुरे होने के पीछे। अगर आपको अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट होने करने का मौका मिलेगा किसी भी वर्क फील्ड में, तो आपको अच्छा लगेगा कि मेरा मेरी मेरे टाइम का या मेरे काम की एक वैल्यू है। बट अगर आपको डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरह से आपको कोई डिस्कशन नहीं होगा, डिसीजन जो है अचानक से ले लिया जाएगा बिना आपसे पूछे, तो वो चीजें जो है किसी कहीं ना कहीं जो इम्प्लॉयज होते हैं उसको हर्ट करती हैं, है ना। तो डिसीजन मेकिंग में भी उनका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इम्प्लॉयज का। नाउ इंडिविजुअल जी डिसीजन मेकिंग सर, स्टाइल एंड प्रोसेस कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग स्टाइल है, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम को। फॉर एग्जाम्पल,
एंड इंडिविजुअल्स रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी और देयर अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन इन्फ्लुएंस द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन मेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट पोस्ट में है सपोज, उसको कोई डिसीजन लेना है। अब अगर कोई बंदा डर डर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहा है तो उसके कारण से जो इम्प्लॉय जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन लोगे नहीं लोगे तो फिर आपके बिजनेस के लिए वो सही नहीं है, राइट। तो वो चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इम्प्लॉय के लिए, वो जो उसका रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी है, वो रिस्क किस तरीके से ले रहा है, कितना सोच समझ करके ले रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको वो मौका भी मिलना चाहिए ताकि वो ले। ऐसा भी नहीं हो जैसे बहुत सारे जगहों पे हम लोग देखते हैं जो नॉर्मल सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको उतना से उनका उतना से नहीं होता, उनसे उतनी बात पूछी भी नहीं जाती कि आपका क्या डिसीजन है, आपका क्या सोच है किसी भी टॉपिक को लेकर के। बट डेफिनेटली जब कोई किसी हायर पोस्ट पे होगा तो डिसीजन तो भाई उसी को लेना है। अब जो बंदा डिसीजन ले रहा है वो किस तरीके का है, वो उसका मिजाज किस तरीके का है, उसका मोराल किस तरीके का है। ऐसा तो नहीं कि डिसीजन लेने के बाद वो रिग्रेट करे बार बार, है ना। डिसीजन जो है आपको लेना है और लेने के बाद फिर उसके ऊपर आपको काम भी करना है कुछ इस तरीके से ताकि आप अपने डिसीजन को ठीक तरीके से सही साबित कर पाओ। उसके पीछे काम करना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो हमेशा सही ही होगा, गलत भी हो सकता है। तो उन सब चीजों को डील करके आना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग में ये सारी चीजें भी जो है इंपॉर्टेंट होती है इंडिविजुअल बिहेवियर्स में। दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, जो तीन चीजें हम लोगों ने की थी इंडिविजुअल बिहेवियर्स क्वेश्चन में है, बिहेवियर इंडिविजुअल बिहेवियर्स, ग्रुप बिहेवियर्स एंड बिहेवियर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ग्रुप बिहेवियर्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा अगला टॉपिक है, इसको कर लेते हैं। थोड़ा ओके सर सा पानी पी लेता हूँ, एक ओके मिनट। सर ओके सर ओके नाउ सो ग्रुप बिहेवियर्स, सो नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ग्रुप की बात की जा रही है। अब ग्रुप में कोई एक बंदा तो होगा यस नहीं, एक सर से ज्यादा लोग होंगे डेफिनेटली। नो सर तो एक से ज्यादा जब लोग होंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होगा, समटाइम्स उसमें एग्रीमेंट होगा, समटाइम उसमें डिसएग्रीमेंट होगा, समटाइम उसका जो रिजल्ट है वो निकल करके डिफरेंट आएगा, है ना। यहाँ पे ब्लेमिंग वाला चीज भी बहुत यस ज्यादा हो सर जाता है कि तुमने ऐसा कहा था, तुमने वैसा कहा था। लेकिन अल्टीमेटली जो जी सर डिसीजन होता है वो ग्रुप का डिसीजन होता है जो एट द एंड निकल करके आता है। तो जो ग्रुप का डिसीजन होगा वो भी बहुत हद तक या बहुत ही ज्यादा हद तक एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को इम्पैक्ट करता है या फिर उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, नाउ ग्रुप बिहेवियर रेफर्स टू इंटरेक्शंस, डायनामिक्स एंड प्रोसेस विद इन द टीम्स और वर्क ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप बिहेवियर में देखो इंटरेक्शंस की बात कर दी गई। ग्रुप बिहेवियर में जब पांच आदमी लोग मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें कैसे करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। डायनामिक भी होता है, ग्रुप बिहेवियर बहुत डायनामिक होता है, उसमें चेंजेस होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है ना। चीजें जो है हमेशा एक स्टेडी ग्रोथ के साथ चलता रहेगा और फ्लेक्सिबल भी होगा। ठीक है, और प्रोसेस विद इन द टीम्स, एक टीम है, ग्रुप है जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें जो हो रही है, और ये सारी चीजें जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करती है। अंडरस्टैंडिंग ग्रुप बिहेवियर इज अ क्रूशियल जी फॉर इफेक्टिव कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड अचीविंग कलेक्टिव गोल्स। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने ग्रुप जो जो भी ग्रुप्स उसके अंदर में काम कर रहे हैं उसके बिहेवियर को ठीक तरीके से समझे, क्योंकि वो बहुत ही क्रूशियल है। अगर आपको इफेक्टिव वे में काम करना है, एक ग्रुप में एक टीम नहीं है, बहुत सारे टीम्स हैं, तो उनको आपस में कोलैबोरेट करके उनके बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन है या नहीं चेक करना, और जो भी उनका अल्टीमेट गोल है उसको वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें चेक करने का काम जो है ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इन सब चीजों का असर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है कि वो ग्रुप बिहेवियर्स के साथ जो है वो डील करे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो बताया गया, सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर्स इन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता ही है। अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो टीम वर्क का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा, उससे फिर प्रॉब्लम होगी। सबका काम ठीक तरीके से करना जरूरी होता है ग्रुप में। और कोलैबोरेशन, एक टीम के साथ दूसरे टीम का कोलैबोरेशन कैसा है, एक बंदे के साथ दूसरे बंदे का कोलैबोरेशन कैसा है, क्योंकि जब लोग शेयर करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। जब लोग रिजिड रिजिड हो जाते हैं, अपने तरीके से काम को करने की कोशिश करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। और ग्रुप बिहेवियर में ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। ग्रुप में हमेशा जो है ग्रुप का अपना एक से होगा, इंडिविजुअल से कुछ भी हो बट ग्रुप का अपना एक से होगा, उनका अपना एक स्टैंड होगा। तो वो चीज ग्रुप में करना सारी चीजें बहुत जरूरी है।
Now, examining how individuals interact within teams and the extent to which they collaborate can improve can provide insights into team dynamics and their impact on organizational performance. है ना? तो ये एग्जामिन करना कि इंडिविजुअल्स जो ग्रुप में है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने टीम के अंडर में, है ना, और किस तरीके से एक दूसरे के साथ यू नो कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस को आगे लेकर के जाने के लिए. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के ऊपर इन सब चीजों का असर जो है काफी ज्यादा पड़ता है, और इसको देखने का काम किसका है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही है. उसी को ये चीजें जो है देखनी पड़ेंगी, किस तरीके से लोग जो है ग्रुप के अंडर में किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से वो चीजें जो है यू नो कोलैबोरेट करके चीजों को बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, स्टडीइंग हाउ इंडिविजुअल्स कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूट टू टीम प्रोजेक्ट्स, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड शेयर इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प इंप्रूव टीम वर्क एंड ओवरऑल टीम इफेक्टिवनेस. मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ यस कि सर, आप जब तक यू नो अपने जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आप उसको शेयर नहीं करोगे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, आप अपने काम को बेहतर कर ही नहीं सकते. एक बंदा ने कुछ करके रखा है, वो दूसरे बंदे को छुपा रहा है उससे कि भाई मैं अगर उससे बताऊंगा तो उसकी उसको वाहवाही मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी. हालांकि ये भी बहुत देखने को मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में, कि पॉलिटिक्स होती है. बट स्टिल अगर यस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखा जाए तो उसका तो इंटरेस्ट इसी बात में होना चाहिए कि सारे लोग एक दूसरे के साथ शेयर करें अपने कामों को, ताकि फटाफट जो है किसी काम को किया जा सके. क्योंकि किसी भी काम में डिले तभी होगा जब कोई बंदा अपने काम को ठीक तरीके से नहीं करेगा. अगर मेरे पास कोई जानकारी है मैं दूसरे के साथ शेयर कर दूंगा तो हो सकता है कि उसको जो काम करने में उसको 2 घंटे लग रहे थे वो अब 15 मिनट लगे, क्योंकि मैंने आधी जानकारी तो उसको दे ही दी, है ना. तो यस ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसका काम होता है स्टडी करना इंडिविजुअल्स को कि किस तरीके से वो लोग टीम प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अगर वो ठीक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो आपस में जो उनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो भी नहीं होंगे, इवन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे एग्जिस्टिंग वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टीम वर्क को इम्प्रूव करने के लिए और ओवरऑल इफेक्टिवनेस को यू नो और बेहतर करने के लिए. और अगर ये बेहतर होगा तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ठीक तरीके से काम कर पाएगा, वो भी एक तरीके से ग्रो कर पाएगा. बी नंबर पॉइंट है लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस. नाउ ग्रुप बिहेवियर्स ऑल्सो इंक्लूड द एक्शंस एंड बिहेवियर्स ऑफ लीडर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन टीम मेंबर्स, है ना. तो ग्रुप में देखो कोई ना कोई तो हेड होगा ही, टीम का टीम लीडर होता है, राइट. तो जो भी लीडर होगा वो अपने हिसाब से चीजों को करने की कोशिश करेगा और उसका एक इन्फ्लुएंस जो है अपने टीम मेंबर्स के ऊपर हमेशा ही रहेगा, है ना. तो ग्रुप बिहेवियर में ये चीजें भी आएंगी, इसलिए लिखा हुआ है ग्रुप बिहेवियर ऑल्सो इंक्लूड द एक्शंस एंड बिहेवियर्स ऑफ लीडर्स. तो लीडर्स होंगे उनके एक्शंस और एंड देयर बिहेवियर्स इम्पैक्ट इंक्लूडेड होंगे एंड देयर इम्पैक्ट ऑन टीम मेंबर्स. बाय स्टडिंग लीडरशिप स्टाइल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर्स, ऑर्गेनाइजेशंस कैन आइडेंटिफाई इफेक्टिव लीडरशिप प्रैक्टिसेस दैट फॉस्टर एम्प्लॉई एंगेजमेंट एंड पॉजिटिव ग्रुप डायनामिक्स. अब देखो सारे लीडर तो अच्छे नहीं होते हैं, कोई अच्छे होते हैं कोई बुरे होते हैं. जो इम्प्लॉइज उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं वही कहते हैं कि भाई ये सर बहुत अच्छे हैं वो सर अच्छे नहीं है, क्योंकि उनके काम करने का तरीका डिफरेंट होगा, उनका जो एक्शन होगा उनका जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा. तो जिसका अच्छा होगा उसको यू नो शाबाशी मिलती है, जिसका बुरा होता है उसको और बेहतर काम करने के लिए कहा जाता है. तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम है लीडरशिप स्टाइल्स को एक तरीके से मेजर करना, उसको स्टडी करना कि किस तरह का लीडरशिप स्टाइल जो है किसी भी ग्रुप के बिहेवियर को इम्प्रूव कर रहा है, वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पा रहा है. ये यू नो देखने का काम जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है, ठीक है ना. इसलिए यहाँ पे बात बोली जा रही है ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई इफेक्टिव लीडरशिप प्रैक्टिसेस. ये देखो कैन आइडेंटिफाई इफेक्टिव लीडरशिप यस सर, प्रैक्टिसेस दैट फॉस्टर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, है ना. ऐसा प्रैक्टिसेस ऐसी यस चीजें सर, करना किसी लीडर के लिए कि वो किस तरीके से एंगेज कर पा रहा है अपने एम्प्लॉइज को. अब देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सपोज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बट मैं तुम्हें इस तरीके से पढ़ा रहा यस हूँ सर, कि तुम एंगेज नहीं हो पा रही हो. जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर तुमको अच्छा नहीं लग रहा, एंगेजमेंट तुम्हारा उस तरीके से यस नहीं हो सर, पा रहा है मेरे वर्क के साथ. तो मेरे मुझे क्या ओके करना सर, चाहिए, मुझे फिर अपने लीडरशिप स्टाइल में चेंजेस लाना होगा, मुझे अपने पढ़ाई करने के तरीके में चेंजेस लाना होगा ताकि वो बेहतर हो सके. तो जी ऑर्गेनाइजेशन में भी वही होता है, बिजनेस में भी वही होता है. कुछ कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने इम्प्लॉइज को यू नो एंगेज करके रख पाते हैं अपने साथ, उनको सपोर्ट कर पाते हैं काम में. लीडर्स ऐसा ही होना चाहिए जो कि यू नो एंगेज कर पाए, सपोर्ट करें अपने सबॉर्डिनेट्स को, तुमको इस तरीके से काम करना है, तुमको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताओ. तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस होती हैं यस उनको आइडेंटिफाई करने का काम जो है ऑर्गेनाइजेशन का होता है, और उसको इम्प्लीमेंट करना, लोगों को ट्रेन करना कि भाई आपको जो है ऐसे करना है ना. तो ही सारी चीजें जो है ठीक तरीके से आ पाएंगी, आउटकम जो है बेहतर हो पाएगा.
यहाँ पे देखो पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स जी की बात सर, की जाए तो ग्रुप डायनेमिक्स में पॉजिटिविटी तभी आती है जब लीडरशिप स्टाइल जो है वो पॉजिटिव होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन इस चीज के ऊपर भी पॉजिटिव, ध्यान देती है कि यस लीडरशिप स्टाइल जो है किसी भी लीडर का किस तरीके का है, उसको भी उनका स्टडी करने का काम होता है। तीसरा जो मेजर चीज है जिसके साथ ऑर्गेनाइजेशन को डील करना पड़ता है, सबसे पहला था हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर जो हम लोगों ने अभी किया, दूसरा इंडिविजुअल था, बिहेवियर्स, यस, उसके अंदर तीन पॉइंट थे, दूसरा था ग्रुप बिहेवियर और तीसरा है हमारा बिहेवियर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं, सर, लेकिन इनके अंडर जो पॉइंट्स हैं उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में लिखने के लिए ताकि अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। ये तीन मेजर ओके सर, पॉइंट्स हैं, लेकिन जी सर, नाउ बिहेवियर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस रेफर्स टू बिहेवियर्स एंड इंटरेक्शंस दैट ऑकर एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल सच एज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कम्युनिकेशन पैटर्न एंड ओवरऑल क्लाइमेट। अब ये थोड़ी सी बड़ी बात हो गई, ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके के ऊपर बात हो रही है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन काम किस तरीके से कर रहा है, उसका जो चेन ऑफ कमांड है वो किस तरीके का है, क्या जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो ऊपर के कमांड को वैल्यू करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, कम्युनिकेशन का पैटर्न कैसा है, क्या कम्युनिकेशन डायरेक्ट ऊपर से नीचे तक पहुंच पाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ कहते हैं पर वो बात जब एंड टाइम यस तक पहुंचती है तो वो कुछ और तरीके से पहुंचती है, जो मैंने कहा है वो पहुंचता ही नहीं है, कुछ और तरीके से घुमा फिरा के वो चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो ऊपर से कहा गया है उसी को नीचे तक भी सेम बात ही आनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि मैं आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस तो ये जो जो ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का कल्चर है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है, ओवरऑल क्लाइमेट, उसके अंदर का एनवायरनमेंट किस तरीके का है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा बहुत बड़ा फोर्स है जिसके साथ डील करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर्स इन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड ड्राइव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, ठीक है। तो जैसे कि मैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट की बात कर रहा था, टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी इसके अंडर में आ जाएगा कि आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों को वहां काम करके अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है ना। जैसे देखो जी कंपनीज की सर, पॉलिसी होती है कि आप टाइम पे नहीं आओगे तो आपका जो है जॉब का जो जो सैलरी है वो उस डे का वो जो है कट हो जाएगा, है ना। तो वो एक बहुत ही यस रिजिड पॉलिसी है, अगर किसी का लेट हो गया तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई तुम आ जाओ काम कर लो। अब कहीं पे अगर उस तरह का नियम है कि भाई अगर आप लेट हो गए 10 मिनट भी तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा ऑफिस में, तो वो बहुत ही रिजिड हो जाता है, वहाँ जो कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड है, वहाँ पे काम करने में प्रॉब्लम होती है। सर, तो यहाँ पे ओवरऑल जी सर, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की बात की जा रही है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है जो एनवायरमेंट है उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। तो उसका बेहतर होना भी बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उसके आउटकम के बेहतर होने के पीछे, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर भी जो है ऑर्गेनाइजेशन काम करना जरूरी है और वो लोग इस चीज के ऊपर काम करते भी है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा जो पॉइंट बोला गया है वो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, द वैल्यूज नॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, यस, द वैल्यूज नॉर्म्स एंड बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली शेप द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, है ना। हर एक बंदे का जो अपना नॉर्म है, उसकी जो वैल्यूज है ना, वो सारी चीजें जो है कलेक्टिवली क्रिएट करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो एक दिन में या एक बंदे के आने से नहीं होता, ओवरऑल उसका जो है बन जाता है, जैसे जैसे लोग काम करते जाते हैं, जैसे जैसे इन्वायरमेंट क्रिएट होता जाता है अच्छा या बुरा जो भी, उसके कारण से जो है उसका कल्चर बन जाता है वो काम, ठीक है ना। अगर कोई टाइम पे आ रहा है इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीके से काम कर रहा है, तो जो कल्चर है वहां पे वो बहुत ही अच्छा है, लोगों को एक तरीके से मोटिवेट करना, लोगों को एक तरीके से एनकरेज करना कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर्स दैट कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, है ना। इंडिविजुअल बिहेवियर जिसके कारण से जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, वो एक तरीके से फॉस्टर करता है, बढ़ाता है जो उसका कल्चर है उसको और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करता है। जब आपका इंडिविजुअल बिहेवियर किसी भी बिजनेस में अच्छा होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो भी अच्छा होगा। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक बंदा अगर गलत निकलता है, कुछ अगर गलत काम वो करता है, तो उसके कारण से जो उसका कल्चर है उसके ऊपर असर पड़ता है, जो बाकी सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उन पे उनका इन्फ्लुएंस होता है एक तरीके से। तो होता एक इंडिविजुअल बिहेवियर का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल कल्चर में, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो कल्चर सारे के सारे एम्प्लॉयज के साथ में मिलकर के ही बनता है ना। सर, अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन पैटर्न, स्टडीइंग हाउ इंडिविजुअल कम्युनिकेट विद इन ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्रोवाइड इनसाइट इनटू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टडी करती है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो ऊपर से नीचे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ठीक तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं कि बीच में कुछ स्किप हो जा रहा है ना। जैसे कि आपने अगर मैस्लो हायरार्की थ्योरी आपने किया होगा, तो वहां पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और आपका जो लोअर लेवल है, वो सारी चीजें होती हैं। तो जो टॉप लेवल का मैसेज है, जो जो टॉप लेवल का जो से है, वो नीचे आ रहा है कि नहीं ठीक तरीके से, वो सही होना चाहिए। वो अगर काम ठीक तरीके से नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है वो भी आप पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिकेशन पैटर्न। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जो है वो भी इसके कारण से जो है इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है, इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर पड़ता है कम्युनिकेशन पैटर्न्स के कारण। फॉर एग्जाम्पल, एनालाइजिंग कम्युनिकेशन पैटर्न्स कैन आइडेंटिफाई बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और अपॉर्चुनिटीज फॉर इनहेंसिंग कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है, अगर आप ठीक तरीके से एनालाइज कर पाओगे कि आपका कम्युनिकेशन पैटर्न किस तरीके का है, तो उसके वजह से आप मतलब अपने कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बना सकते हो। अगर आपको पता चल जाए कि आपके कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अगर प्रॉब्लम पता है तो उसको आप सॉल्व भी कर लोगे। प्रॉब्लम तब होती है जब आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं होता कि आपको प्रॉब्लम आखिर है क्या। अगर आपको प्रॉब्लम का ही पता नहीं होगा तो फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कम्युनिकेशन पैटर्न्स को भी चेक करती है, उसके बैरियर्स को चेक करती है कि ऐसे कौन कौन से बैरियर्स हैं जिसके कारण से जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, और इन बैरियर्स को दूर करने की कोशिश करती है ताकि और अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन पैटर्न क्रिएट हो, कम्युनिकेशन जो चैनल है वो इनहेंस हो और ठीक तरीके से वो लोग जो है काम कर पाए। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स थे, अब इसको क्लोज अप करते हैं। आखिर के 10 मिनट्स ही हैं, ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है। सो नाउ, बाय कंसिडरिंग इंडिविजुअल बिहेवियर्स अलोंगसाइड ग्रुप बिहेवियर्स एंड बिहेवियर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस कैन गेन अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ये तीनों चीजें मिला करके आपको एक एक होलिस्टिक इंफॉर्मेशन जो है आपको समझ में आया होगा, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई होगी कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो काम करता है। दिस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट स्ट्रेटजीज, इंटरवेंशंस एंड पॉलिसीज दैट प्रमोट पॉजिटिव इंडिविजुअल बिहेवियर, इनहांस टीम डायनेमिक्स एंड कल्टीवेट अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है ना, अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है इन तीनों चीजों को ठीक तरीके से समझने का, उसके ऊपर काम करने का, इसके ऊपर अगर हर ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से काम करे तो वो अच्छे स्ट्रेटेजीज क्रिएट कर पाएंगे, अच्छे इंटरवेंशन जो भी होने चाहिए है ना उनको ला पाएंगे, अच्छी पॉलिसीज वो लोग बना पाएंगे ताकि जो जो ओवरऑल ग्रोथ है किसी भी इंडिविजुअल का या फिर बिजनेसेस का, वो ठीक तरीके से हो सके, है ना। टीम डायनेमिक्स को यहाँ पे इनहेंस करने की बात की जा रही है, एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्रिएट करने की बात की जा रही है। ये तभी पॉसिबल है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर ठीक तरीके से काम करेगी। ठीक है, सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। सर ओके, सो अगला टॉपिक मैं शेयर कर दूंगा कल, और देन उसके बारे में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे रात में। ठीक है, 8 o'clock, ओके सर कल हाँ संडे, ओके सर कल रात में 8 o'clock यस यस। ठीक है, इस वीडियो को ओके मैं सर ऐसे सोच रहा हूँ यूट्यूब पे भी डाल दूँ क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था। सो ये वीडियो आपको वहां पे भी मिल जाएगा, अगर आपको रीवॉच करना रहे तो आप वहां से कर लीजिएगा। ओके सर यूट्यूब पे है ना ओके यस यस, सर ओके ओके देन, सर नाउ थैंक यू सो ओके मच, सर थैंक मिलते हैं यू अगले वीडियो में, बाय। थैंक यू ओके सर थैंक यू बाय।